पर्यावरण की अनदेखी को लेकर के राजस्थान में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की फटकार के बाद में अब प्रदेश में 3 मॉडल टाउन, 3 मॉडल सिटी और 3 मॉडल गांवों का निर्माण किया जाएगा। प्रदेश सरकार के अनुसार जिसके तहत जयपुर, उदयपुर और सीकर को मॉडल सिटी, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और पुष्कर को मॉडल टाउन और इसके बाद में 1 महीने में 3 गांवों का चयन भी इसके अंतर्गत किया जाएगा। 6 महीने में पहले चरण का कार्य पूर्ण करके एनजीटी को रिपोर्ट पेश की जाएगी। गौरतलब है कि देश के सभी राज्य को एनजीटी नए निर्देश जारी कर दिए रहे हैं, जिसके सिलसिले में राजस्थान के मुख्य सचिव डीबी गुप्ता समेत आधा दर्जन विभागों के अधिकारी एनजीटी न्यायालय में पेश हुए हैं। एनजीटी जो है सारे स्टेट्स को एक एक करके सबको कॉल कर रही है और यहाँ पर ये बात आई है कि मतलब आज हमारा राजस्थान का नंबर था, काफ़ी स्टेट्स इससे पहले हो चुके हैं। इसमें बेसिकली वो 3-4 चीज़ों पर फोकस रख रहे हैं। पहला तो इन्होंने कुछ डायरेक्शंस अपने दिए थे, एनजीटी ने एक मेजर ऑर्डर दिया था जिसके अंदर सारे चीफ सेक्रेटरीज किन किन पॉइंट्स पर तैयारी करके आएंगे, वो आप लोग बता भी चुके हैं कि 10-12 पॉइंट्स हैं जिनके 12 पॉइंट्स के ऊपर अपनी तैयारी के साथ आए। दूसरी बात यह है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के बने हैं, उनके ऊपर स्टेट ने क्या क्या किया है। फिर इसके बाद ये पूछ रहे हैं कि इसमें एयर क्वालिटी के लिए, रिवर रिजुविनेशन के लिए और तीसरा इंडस्ट्रियल जो क्लस्टर्स हैं उनमें जो पॉल्यूशन है, इन 3 के ऊपर ज़्यादा फोकस है। और चौथी बात उन्होंने जो रखा था वो अरावली हिल्स के अंदर जो इलीगल माइनिंग है उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है। इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन पर जुड़ चुके हैं प्रीत किरण। प्रीत, बताएं कि एनजीटी में आज राजस्थान का नंबर था, किस तरह के निर्देश एनजीटी ने राजस्थान में दिए हैं? जी बिल्कुल, तमाम जो राज्य हैं उनमें जिस तरीके से पर्यावरण को लेके अनदेखी की जा रही है उसको लेके आज एनजीटी ने राजस्थान को बुलाया। राजस्थान की तरफ से मुख्य सचिव डीबी गुप्ता और तमाम जो विभाग है उनके प्रमुख पेश हुए एनजीटी में। एनजीटी ने दिशा निर्देश दिए कि पानी का जो स्तर है राजस्थान में वो बहुत नीचे गिर गया है। इसके साथ ही जिस तरीके से अरावली पर्वतमाला को जिस तरीके से उसकी खुदाई की जा रही है, जिस तरीके से उसको नष्ट किया जा रहा है, इसको लेके तमाम दिशा निर्देश दिए। एनजीटी ने ये कहा कि प्रदेश के अंदर 3 जो मॉडल जो टाउन है और 3 मॉडल सिटीज का निर्माण किया जाए। इसके साथ ही 3 जिलों में 3 मॉडल जो आदर्श ग्राम है उनकी स्थापना की जाए ताकि वायु के लिहाज से, प्रदूषण के लिहाज से, पर्यावरण के लिहाज से वो आदर्श स्थापित कर सके, पूरे राज्य में लोगों को जागरूक कर सके, तमाम जो धर्म के लोग हैं वो उनको फॉलो कर सके, किस तरीके से पानी को, हवा को स्वच्छ रखना है, ये तमाम जो दिशा निर्देश है एनजीटी की तरफ से दिया गया। इसके साथ ही ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ये भी दिशा निर्देश दिए हैं कि जगह जगह पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाए ताकि पानी का जो स्तर है वो लगातार जो गिरता जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं रोक लगे, उसमें कमी आए। जी प्रीत, बात की जाए, क्या आपने डीबी गुप्ता से बात करने की कोशिश की कि आखिर जो पानी का स्तर गिर रहा है इसको किस तरीके से रोकने के लिए प्रशासन है वो कार्रवाई कर रहा है, क्या कार्रवाई कर रहा है? देखिए, डीबी गुप्ता ने ये कहा कि तमाम जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जिस तरीके से ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बोला है कि उसी तरीके से लगाए जा रहे हैं, पाली में, बालोसरा में, बाड़मेर में इसकी स्थापना कर दी गई है और कई अन्य जगहों पर जो है आगे जो है इस दिशा में काम किया जा रहा है। इसके साथ ही मॉडल गांव की जिस तरीके से बात की जा रही है, 1 महीने में आदर्श ग्राम 3 गांव कहाँ कहाँ पे बनाए जाएंगे उसको चुन लिया जाएगा। इसके साथ ही सिटी और जो टाउन की बात की जा रही है वो फिलहाल चुन लिए गए हैं। 3-3 सिटी और 3-3 टाउन जो है उनका जो है आदर्श ग्राम बनाने के लिए उसकी कोशिश की जाएगी और 6 महीने के बाद एनजीटी को पहली रिपोर्ट जो है प्रदेश की ओर से सौंपी जाएगी। जी विपरीत तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 6 महीने बाद एनजीटी को, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को रिपोर्ट पेश की जाएगी। इस रिपोर्ट में बताया जाएगा कि आखिर किस तरीके से मॉडल सिटी, मॉडल टाउन और आदर्श ग्राम को बनाया जाएगा।